हेलो नमस्कार, मैं सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का मैथ सब्जेक्ट में खास करके 9 इंग्लिश में स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ। ये मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 12 हेरोल्ड्स फॉर्मूला, आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन अपने लेंगे। बराबर क्या इसका मेन बेस है, बराबर उस बेस के हिसाब से हम करेंगे। चलो ओके, तो पहले इसमें क्या है, हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये अपनी बेसिक फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। बराबर मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड में ये आती है और जो आपको मालूम भी है, बराबर वही बताता हूँ। वन हाफ बेस इनटू हाइट, कभी कभी यहाँ एल्टीट्यूड भी लिखते हैं, ओके तो वन हाफ बेस इनटू हाइट। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल क्या है, ए ट्राइंगल एबीसी और एम इज ए एल्टीट्यूड, इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, ओके तो ए आर का मतलब आगे आ गया है। फिर से मैं बताता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अरे एयर का मतलब एरिया और ट्राइंगल क्यों, क्योंकि इसके अंदर ए बी सी थ्री वर्टाइसिस है, थ्री वर्टाइसिस तो एरिया, अगर ए बी सी डी फोर वर्टाइसिस तो क्वाड्रिलेटर, ओके यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये लिखा है शॉर्ट फॉर्म। वन हाफ बेस, बेस यानी क्या है बी सी, हाइट, हाइट यानी एल्टीट्यूड ए एम, बराबर इस तरीके से आएगा। इसमें कैसे आ सकता है, वन हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, पर इस तरीके आता है। इसके अंदर अपने को सपोज एग्जांपल लेना है तो कैसे आएगा, सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये यहाँ जो है बी एम सिक्स है, ये फोर है, तो इसका एरिया कैसे ढूंढने की, यही फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वन हाफ बेस क्या है सिक्स, एल्टीट्यूड क्या है फोर एम, फोर है हाइट, तो टू थ्री जा सिक्स, थ्री फोर जा ट्वेल्व, इसके पीछे यूनिट लिखना नेसेसरी है। तो कैसे लिखोगे आप, मीटर दिया नहीं है तो आपको स्क्वायर यूनिट लिख देना है, स्क्वायर यूनिट, इस तरीके से ये एग्जांपल हो गया। बराबर मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज बी सी सिक्स है, ए एम फोर है, फिर एरिया ढूंढना है तो एरिया बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस क्या है सिक्स, एल्टीट्यूड क्या है फोर, इस तरीके से हो सकता है, ओके और ये कर सकते हैं। दूसरा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी 90 एंगल पे होगा ट्राइंगल तो उसका एरिया क्या होगा, ओके तो इसमें थ्री टाइप्स होते हैं एंगल के, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट 90 से कम होता है, राइट एंगल एग्जैक्ट 90 होता है, यानी जो सारी दीवार खड़ी है 90 एंगल पे खड़ी है, और ऑब्ट्यूज मोर देन 90 से ज़्यादा होता है, ओके तो इसमें हमने इसकी फॉर्मूला क्या है राइट एंगल ट्राइंगल की, वन हाफ प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल्स। इसका मतलब क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, यानी दोनों का मल्टीप्लाई ऑफ साइड फॉर्मिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल का दो साइड पी क्यू
ए पी क्यू और क्यू आर, बराबर, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये वन हाफ प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल ट्राइंगल। यानी क्या, क्यू आर और पी क्यू, यानी कि जो राइट एंगल बनाता है उसके अंदर जो साइड्स है वो दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि एक और दो उसका मल्टीप्लाई। सपोज इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं, इसलिए इसको एरिया बोला है, एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ क्यू आर इंटू पी क्यू। सपोज क्या लेते हैं, सपोज यहाँ दोनों, सपोज यहाँ 8 है और यहाँ सपोज 4 है, सपोज तो एरिया पी क्यू आर क्या आएगा, वन हाफ क्यू आर क्या है 8, पी क्यू क्या है 4, 2 4 8, 4 4 16। सपोज सेंटीमीटर है दोनों में तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है या सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में से एक लिखना है, बराबर, ऐसा होता है। यहाँ तक हो गया, ओके। उसके बाद एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल क्या है, ए ट्राइंगल्स ऑल साइड्स आर सेम, दिस इज कॉल्ड इक्विलेटर ट्राइंगल। यानी देखो ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड, सब साइड, सपोज हम लेते हैं यहाँ 4 4 4 4 4 सेंटीमीटर, ओके सेंटीमीटर, तो सब साइड सेम हो गया, उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटर ट्राइंगल। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, वो होगा इक्विलेटर एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल की फॉर्मूला। सबने लिया है, सपोज एक्स वाई जेड सब साइड 4 4 4 है, इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया। तो उसका एरिया कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो इसके अंदर रखेंगे तो √3/4 साइड क्या है 4 4 स्क्वायर, बराबर, तो क्या आएगा √3/4 4 स्क्वायर, यानी 4 2 टाइम्स, ओके 4 4 कट, सो 4 √3, और यहाँ सेंटीमीटर है तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। इस तरीके से एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल की फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर, बराबर। ये सब इम्पोर्टेंस फॉर द हेरल्स फॉर्मूला, ये आएगा तो ही आपको इजी पड़ेगा, बराबर। उसके बाद यहाँ सपोज आइसोसेलस ट्राइंगल दिया है, बराबर, आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होता है, टू साइड सेम होती है, वन साइड सेम नहीं होती है, बराबर। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, उसका एरिया ढूंढना होगा, तो इसके लिए सपोज हम आइसोसेलस ट्राइंगल, यानी दो साइड सेम है, बराबर, ए बी सी ये सेम है, ये सेम नहीं है, ओके। तो इसके अंदर हमको एल्टीट्यूड लेके एल्टीट्यूड फाइंड करना होगा और बेसिकलीट्यूड तो हो जाएगा, कैसे हो सकता है, या पाइथागोरस यूज करके, सपोज राइट एंगल है तो इस साइड का पाइथागोरस लेके यहाँ ढूंढ सकते हैं, पाइथागोरस लेके ढूंढ सकते हैं, बराबर, ऐसा होगा। उसके बाद दिया है स्केलन ट्राइंगल्स, बराबर, यानी ऑल साइड्स आर नॉट सेम, कोई भी सेम नहीं है, तो उसके लिए आपको हेरल्स फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। वो कैसे करते हैं, क्या है वो हम देखते हैं, ओके, और आपको हेरल्स फॉर्मूला आ जाएगी। चलो हेरल्स फॉर्मूला, हेरल्स इज द मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन था और उसने खुद एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढने की फॉर्मूला बताई थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए देखो यहाँ
ब्रेक कैसे करते हैं वो देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्मूला, ब्रेक कैसे करते हैं वो देखते थे। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला एरोंस फॉर्मूला से देखते हैं कैसे आता है, बराबर। तो आपको ये मालूम पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। चलो इसके अंदर ट्राइंगल्स हैं एबीसी, आपको यहाँ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी दिया है, तो कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए आएगा, यानी ये ए के सामने स्मॉल ए साइड, बी के सामने स्मॉल बी, बी के सामने स्मॉल बी आएगा, और सी के सामने स्मॉल सी आएगा। ओके, ए के सामने स्मॉल ए, स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, यानी यहां ई बी जो है उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल सी बोलेंगे, बी सी उसको स्मॉल ए बोलेंगे, ए सी स्मॉल बी बोलेंगे, बस इस तरीके से। ये हेरल्स फॉर्मूला की टेक्निक है, ए बी के सामने सी है इसलिए स्मॉल सी लेना है, बी सी के सामने ए है तो स्मॉल ए लेना है, ए सी के सामने बी है तो स्मॉल बी लेना है। ओके, इस तरीके से। अब सेमी पेरीमीटर इन हेरोंस फॉर्मूला, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, वो होगा सेमी पेरीमीटर। सपोज यहां 5 है, 6 है और ये 4 है, 5 लेते हैं, चलो 5। तो सेमी पेरीमीटर कैसे आएगा, एक इतना स्मॉल है, देखो ये स्मॉल है 6 आया, ये 6 आ गया, फिर बी स्मॉल बी 5 आ गया, स्मॉल सी भी 5 आ गया, यहां रख दो ए है 6, बी 5, सी ऑल्सो 5 बाय 2। ओके, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 16, 16 बाय 2, 2 8 जा 16, तो 8 बराबर, यानी एस 8 आ गया। इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद सपोज उसने हमने पूछा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स तो कैसे ढूंढेंगे, तो अंडर रूट एस, एस यानी सेमी पेरीमीटर, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, ब्रैकेट एस माइनस बी, ब्रैकेट एस माइनस सी, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बाय हेरोंस फॉर्मूला। जो इसको देख लेते हैं कैसे इसका आंसर आता है, अपने एग्जांपल है इसलिए आपको मालूम पड़ जाएगा, उसका एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर क्या है, चलो एरिया ऑफ क्या है अपना एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, पहले क्या वैल्यू दी है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट एस, एस यानी क्या है 8, अपने इसमें वैल्यू रखी है 8 आया है, 8
8 माइनस ए, स्मॉल ए कितना है 6, 8 माइनस बी स्मॉल बी 5, 8 माइनस एस का 8 है, सी स्मॉल सी कितना है 5, 8, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 5 3, ओके 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9, ओके तो इसका ये 4 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर गॉन, सो 4 इंटू 3 4 3 जा 12 स्क्वायर यूनिट, है ना। इस तरीके से ये हेरोंस फॉर्मूला, उसका पहले सेमी पेरिमीटर ढूंढना है, फिर ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू रखनी है, बराबर, फिर ये स्क्वायर निकालने के लिए ये 4 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो 4 इंटू 3 4th जो 12 स्क्वायर यूनिट, यानी ये जो ट्राइंगल हमारे पास बना एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी उसका ये हो गया एरिया, ओके। अब उसके बाद यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट क्या है, देखो तो स्क्वायर मीटर को मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, ओके स्क्वायर मीटर को मीटर स्क्वायर लिखते हैं, एक स्क्वायर सेंटीमीटर को सी एम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सिंबल है उसपे लिखते हैं, ये पूछ सकते हैं, बराबर। फिर 1 हेक्टर यानी क्या, तो 10,000 मीटर स्क्वायर, बराबर, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। फिर ये ट्राइंगल बताया है, उसके बाद सपोज इसका एरिया 2n स्क्वायर प्लस 1 है, उसका एरिया है 2n स्क्वायर प्लस 2 है, और ये 4n स्क्वायर प्लस 1, यानी साइड की मेजर दी है, सपोज ऐसा, बराबर, AB का 2n स्क्वायर प्लस 1, BC का 2n स्क्वायर प्लस 2, AC का 4n स्क्वायर प्लस 1, तो हाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है n, S क्या है, सेमी पेरीमीटर जो ऊपर आ गया, तो इसका जो एरिया होगा सिंपल ये होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 2n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये आएगा, या n इंटू s नेचुरल नंबर इंटू s, ये हो सकता है, बराबर। इस तरीके से ये जो चैप्टर 12 था हेरोंस फॉर्मूला, उसकी सारी फॉर्मूला मैंने आपको ये लेक्चर में बता दी है, बराबर, ये आपको करना होगा तो ही इजी पड़ेगा, वरना पड़ेगा नहीं, ओके। ये देखो ये मैंने फर्स्ट कराया हुआ है, फिर हेरोंस फॉर्मूला की बात है, उसकी फॉर्मूला है, फिर सेमी सर्कल सेमी पेरीमीटर और हेक्टर, वो सब मैंने आपको बताया है, ओके। इस तरीके से आपको ये चैप्टर नंबर 12 मैंने करके आपको फॉर्मूला करके दिखा दिया है, ओके, ये आप सबको करना है, ओके, और प्रिपेयर भी करना है। नमस्कार।